लास्ट वीक बिटकॉइन के लिए बहुत वॉलेटाइल रहा, जिसकी एक वजह थी यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट जो अभी भी कंटिन्यू है। बट सबसे ज्यादा बिटकॉइन ने सरप्राइज किया इन्वेस्टर्स को 34,000 सपोर्ट लेवल के अराउंड से बाउंस बैक करके, जिसके एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी। इसी पर आज हम बात करेंगे। फर्स्ट हम BTC के चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड सेकंड हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज की। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से लास्ट वीक वर्ल्ड के सभी फाइनेंशियल मार्केट में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी देखने को मिली। आपको पता होना चाहिए ये बस शॉर्ट टर्म के लिए ही है, बट बिटकॉइन ने सभी को सरप्राइज कर दिया। यहाँ 34,000 के राउंड से बिटकॉइन में बाउंस बैक देखा गया और ये बाइंग प्रेशर देखने को मिला FTX एंड Bitfinex एक्सचेंजेस की ओर से, और बिटकॉइन के प्राइस ने 40,000 के लेवल को टच किया। अभी बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है $38,000 के अराउंड। लास्ट नाइट मार्केट में फिर से सेलिंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है 20 के लेवल पर, जिसको एक्सट्रीम फियर की कैटेगरी में रखा गया है। हिस्टोरिकल वैल्यू भी आप देख सकते हो यहाँ पर। लास्ट वीक ओवरऑल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 25 के लेवल पर रहा है। बिटकॉइन के चार्ट पर आप देख सकते हैं 40,050 DMA राइट नाउ प्राइमरी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जिसको ब्रेक करना बिटकॉइन के लिए थोड़ा मुश्किल है। बट अगर बिटकॉइन 40,000 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो 46,100 मूविंग एवरेज इसके लिए क्रिटिकल लेवल होगा। जब बिटकॉइन $40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब ये लेवल एज अ सपोर्ट काम कर रहे थे, बट राइट नाउ यही लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते हैं तो उनका जो रोल होता है वो रिवर्स हो जाता है, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। न्यू इन्वेस्टर्स इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। मार्केट को देखे तो मार्केट अभी थोड़ा स्टेबल दिख रहा है। मार्केट में आप अनसर्टेनिटी और फियर दोनों देख सकते हो, बट उसके साथ साथ थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे का रीजन है क्रिप्टो अडॉप्शन, जिस पर यूक्रेन की गवर्नमेंट इस टाइम वर्क कर रही है। आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, बट क्रिप्टो ट्रेडिंग से दूर रहिए जब तक यूक्रेन रशिया वॉर फिनिश नहीं हो जाता। ये था दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस एंड मार्केट अपडेट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। फर्स्ट न्यूज है NFT स्पेस से रिलेटेड। फ्लोर प्राइस फॉर हाई वैल्यू NFTs प्रोजेक्ट्स आर फॉलिंग। फाइनली हाई वैल्यूज NFTs का फ्लोर प्राइस डाउन आना स्टार्ट हो गया है। फेब मंथ में बोर्ड एप याच क्लब का फ्लोर प्राइस ऑलमोस्ट 30% डाउन आ गया है एंड क्रिप्टो पंक NFT का फ्लोर प्राइस 25 के राउंड डाउन हो गया है ओवर द पास्ट मंथ। एक और इनसाइट ये है, हाई वैल्यू NFT का प्राइस तो डाउन आ रहा है बट लेस एक्सपेंसिव NFT कलेक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है मार्केट में। अब तक का जो सिनेरियो रहा है लास्ट 3-4 मंथ से क्रिप्टो मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, बट NFTs का ट्रेंड इसके अपोजिट चल रहा था, बट फरवरी मंथ में इसमें चेंज देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज है यूक्रेन इज आस्किंग फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम डोनेशन। जैसा कि सभी को पता है यूक्रेन एंड रशिया के बीच वॉर चल रही है और यूक्रेन गवर्नमेंट बिटकॉइन एंड इथेरियम का डोनेशन एक्सेप्ट कर रही है। ये कहा है यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पर। मिलियंस ऑफ डॉलर रेज किए जा चुके हैं लास्ट कुछ डेज में। नेक्स्ट न्यूज भी यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड है। बाइनेंस कमिट $10 million टू यूक्रेन। ओवरऑल क्रिप्टो डोनेशन रीच $20 million। बाइनेंस ने भी $10 million प्रोवाइड करने का कमिट किया है यूक्रेन को और टोटल $20 million के राउंड क्रिप्टो डोनेशन पहुंच गया है। नेक्स्ट न्यूज है मेटावर्स से रिलेटेड। साउथ कोरिया टू इन्वेस्ट $187 million इन नेशनल मेटावर्स प्रोजेक्ट। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड $187 million टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ अ मेटावर्स प्लेटफॉर्म दैट इट होप बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री विल थ्राइव इन। साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने $187 million का फंड प्रोवाइड किया है मेटावर्स इंडस्ट्री के लिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है मेटावर्स स्पेस के लिए, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लेना और मेटावर्स इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है नॉन जीरो BTC एड्रेस हिट ऑल टाइम हाई ऑफ 40 million। BTC के नॉन जीरो एड्रेस 40 million के अराउंड पहुंच गए हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा ग्लास नोट्स की रिपोर्ट्स में ये निकल कर आया है 8,70,445 BTC एड्रेसेस के पास कम से कम एक बिटकॉइन तो है ही। ये नंबर भी 10 मंथ के हाई पर है। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।